दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके करियर से रिलेटेड है। अगर आप आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा कोर्स बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसे करेंगे तो आपको इससे काफी फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम जॉब के नजरिए से देखें तो ये एक अच्छा कोर्स है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कोर्स का नाम क्या है। इसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं, यानी स्टेनोग्राफी। हिंदी में इसको आशुलिपि, आंशुलिपि कुछ इस तरीके से बोला जाता है शुद्ध हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको स्टेनोग्राफर बोला जाता है, स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफर, ठीक है। और इसको एक शॉर्ट हैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो कोर्स है ये वो बच्चा भी कर सकता है जो मैथ से डरता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ से डर लगता है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं सरकारी या अच्छी जॉब चाहते हैं, लेकिन मैथ उनको अच्छी नहीं आती है। तो आपके लिए ये कोर्स अच्छा है क्योंकि इसमें ना आपके जो बाद का कॉम्पिटिशन का एग्जाम आता है SSC के द्वारा, उसमें मैथ नहीं आती है। तो मैं आपको वो बाद की बात है बाद में बताऊंगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टेनोग्राफर क्या है, कोर्स क्या है, इसमें क्या होता है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ बताता हूँ मैं आपको। शॉर्ट हैंड इसको क्यों कहा जाता है पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको एक सेंटेंस बोला, मेरा सेंटेंस था इतना बड़ा, मेरे सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड थे, मैंने आपको ये पूरी की पूरी एक लाइन में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने आपको ये कहा। लेकिन जो शॉर्ट हैंड सीख रहा होगा ना वो इसी बात को लिख देगा कुछ इस तरीके के साइंस में, कुछ ऐसे प्रतीकों से लिख देगा, कुछ ऐसे चिन्हों से लिख देगा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा उसने क्या लिखा, पर वो मेरी कही हुई बात को जो मैंने एक लाइन में कही वो सिर्फ दो तीन अक्षरों में या एक अक्षर में ही उस पूरी बात को लिख देगा। तो ये होता है शॉर्ट हैंड, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ पत्रकार वगैरह होते हैं इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो वहां पे जो सामने वाला बोल रहा होता है वो एक नोटबुक में लिखते रहते हैं। अब आप देखो कि वो इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा है, क्या उतनी जल्दी जल्दी वो हर एक बात को लिख पाएगा कोई भी इंसान? इतनी तेज हैंडराइटिंग तो नहीं होती, शायद नहीं लिख पाएगा कोई। लेकिन अगर उसे शॉर्ट हैंड की नॉलेज है, उसने ये कोर्स कर रखा है, तो वो बोली गई बातों को बहुत आसानी से लिख पाएगा, बहुत बेहतर तरीके से लिख पाएगा। लेकिन ये होता क्या है, ये सारी चीजें, इसी को हम शॉर्ट हैंड कहते हैं, क्योंकि ये कम से कम अक्षरों में, कम से कम प्रतीक चिन्हों में ही लिख दिया जाता है। स्टेनोग्राफर अगर आप करना चाहते हो तो दो तरीके से हो सकती है, या तो आप हिंदी स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो या आप इंग्लिश के बनना चाहते हो, ठीक है। हिंदी का अगर आप स्टेनो बनना चाहते हो तो आपको हिंदी की व्याकरण की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश की करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश का वोकैब आपका अच्छा होना चाहिए एंड ग्रामर वगैरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो ये आपके लिए सही है, ठीक है, काफी फायदेमंद होगा। आपको वर्ड मीनिंग, वर्ड्स और उनकी स्पेलिंग वगैरह, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तब आपको इसका फायदा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कोर्स कितने साल का है। तो ये 1 ईयर कोर्स है, 1 साल का कोर्स है और ITI कराती है इसे। ये तो सिर्फ ITI से बताया मैंने, ITI से होता है ये, लेकिन अगर आप प्राइवेट करना चाहो तो ये बहुत जगह, गली मोहल्ले में हर जगह इसके इंस्टीट्यूट होते हैं प्राइवेट, आप वहां से भी कर सकते हो। और इस कोर्स की फी जो होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर आप प्राइवेट करते हो तो वहां पे आपको हो सकता है कि 500 रुपए से लेके 800 रुपए तक या ज्यादा ज्यादा 1000 रुपए तक मंथली मिल सकती है आपको इसकी फीस। 1 साल का, 6 महीने का कुछ इस तरीके से कोर्स होता है, वैसे तो 1 ईयर कोर्स होता है 3 महीने, कहीं कहीं पे इसको प्राइवेट में 8 मंथ में भी खत्म कर दिया जाता है, कहीं पे ये 7 मंथ में भी खत्म कर दिया जाता है। बेसिक अगर हम बात करें ITI में तो वहां के उसके हिसाब से तो ये 1 ईयर का कोर्स है, ठीक है, इस तरीके से होता है। ITI से करोगे तो आपको हो सकता है इसकी फी जो है आपको इससे भी कम देनी पड़े। बहुत महंगा कोर्स तो नहीं है ये, लेकिन ये एक अच्छा प्रोग्राम है, अगर आप इसको सीख जाते हो तो आपको इसको आपके जॉब के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब समस्या आती है भाई एक कि करें कहां से, कैसे करें ये सारी चीजें। तो दोस्तों आप ITI के फॉर्म जब निकले तो आप वहां से भर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहां से नहीं करना चाहते तो आप प्राइवेट, आपके यहाँ घर के आसपास कोई इंस्टीट्यूट वगैरह हो वहां पे अच्छी शॉर्ट हैंड सिखाते हो तो आप वहां से भी सीख सकते हो। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पहले ना बेसिक सिखाया जाता है, शुरू के जो 3 से 4 मंथ होते हैं वो बच्चे के ऊपर है, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगा के सीखते हैं। तो बेसिक सिखाया जाता है, जैसे हम लिखते हैं ABCD, ये तो हमको पता है, लेकिन वो इसको कुछ अलग अलग साइन में लिखेंगे, ये सारी चीजें वो सिखाते हैं वो। फिर कोई हिंदी की सीख रहे तो का खा गा इस तरीके से, फिर इनके साइन सिखाएंगे वो,
किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है, जो बेसिक तीन तीन चार चार महीने में लग जाते हैं उसको सीखने में। उसके बाद क्या होता है, जब सीख जाता है तो एक व्यक्ति बोलेगा, बच्चा उसको अपनी लैंग्वेज में जल्दी 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 लिखेगा, उसके बाद उस पेज को सामने रख देंगे और उसी को टाइप करेगा वो कंप्यूटर में, यानी टाइपिंग स्पीड वगैरह वो सारी चीजें देखी देखी जाती है, टाइपराइटर या कंप्यूटर जिसमें भी टाइप करवाते हैं वो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से है, ये कर सकते हैं इसे आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो ये आफ्टर 12th आप कर सकते हो, 12वीं के बाद, कम टाइम का कोर्स है, कोई बहुत लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है। अब इसके बाद मान लो कि ये सारी चीजें हमने कर ली, हम इन सब चीजों को सीख गए, तो हमारी जो जॉब रिलेटेड बातें हैं वो क्या है, तो मैं आपको कुछ, देखो मैं आपको इस पेज में दिखा देता हूँ। ये देखो आपको ये दिखाई दे रहे हैं कुछ साइन इस तरीके से, ये क्या आपको ये समझ में, आप सोचोगे शायद उर्दू लिख रखी है या कोई और लैंग्वेज है, ये क्या है, ये शायद आपको समझ में ना आए, और ये मुझे भी समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि ये एक स्टेनो की भाषा है, स्टेनो की भाषा में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब भाई हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो स्टेनो कर रहा होगा वो उसे बहुत अच्छे समझ में आएगी। मेरा भाई स्टेनो कर रहा है, तो मैंने अपने भाई के रजिस्टर में से ये फोटो खींची है, वो हमेशा ऐसी चीजें लिखता रहता है, मुझे तो समझ में आती नहीं क्योंकि भाई मैंने करा नहीं कभी स्टेनो, पर वो सीख रहा है तो उसे इसका मतलब पता है और वो करता है। तो आप भी अगर स्टेनो सीखोगे तो आपको भी कुछ इसी तरीके की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, जब हम ये कर लेते हैं बेसिक प्लस ये स्टेनो प्रैक्टिस टाइपिंग सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद जो जॉब निकलती है वो SSC वगैरह से निकलती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में निकलती है। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें GK के क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो लैंग्वेज है इंग्लिश या हिंदी जो भी है उसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं रहता है कॉम्पिटिशन इसमें, SSC का जो CHSL वगैरह में जो कंपटीशन होता है उसके मुकाबले इसका कंपटीशन कम रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चे यहां तो क्लियर कर जाएंगे, अब समस्या उनको कहां पे आती है, उनको समस्या आती है टेस्ट में, जब उनसे ये स्टेनो की टाइपिंग टेस्ट करवाई जाती है ना, तो कई बच्चे टाइपिंग वगैरह में फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके साथ जो आप स्टेनो अगर करोगे तो आप उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करना, दिल से मेहनत करना, मन से करना, लगन के साथ करना, तो आपका ये टेस्ट क्लियर होगा, आपकी जॉब लगेगी। और जॉब के चांसेस में सिर्फ सरकारी गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि प्राइवेट जगह पे भी इसके लिए काफी स्कोप होता है, और वहां से ये सब कर सकते हैं दोस्तों हम। और उसमें जो सैलरी होती है प्राइवेट में, आपको पता है काबिलियत के अकॉर्डिंग होती है, मिनिमम 30,000 25,000 इस तरीके से चलते हुए, और कोई बहुत ज्यादा काबिल है तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा भी होती है। तो ये आपको मैंने बताया है कि स्टेनो अब कहाँ से करें कैसे करें, आप ITI से कर सकते हो या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, 1 ईयर का कोर्स होता है मेनली, कुछ तो इसे 6 महीने 7 महीने 8 महीने में भी खत्म करते हैं, और बाकी अगर आप करना चाहो तो इसे आप 2-2 साल तक कर सकते हो जब तक जॉब ना लग जाए, क्योंकि टाइपिंग वगैरह ये सारी सीखनी है, आपको पता है ये सब प्रैक्टिस के ऊपर होता है, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उसमें उतने परफेक्ट हो जाओगे, अगर प्रैक्टिस छोड़ोगे तो आप भूल जाओगे सारी चीजें, तो ये सब होता है, ठीक है। फी वगैरह भी इसकी मैंने बताई, आपको बहुत ज्यादा फी नहीं होती है तो आप इसको कर सकते हो, अगर आपको बेस्ट करियर ऑप्शन लगता है ये तो ये एक अच्छा कोर्स है। मैं आपके लिए काफी मेहनत के बाद मैं इसे ढूंढ के लाया हूँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि मेरा भाई स्टेनो कर रहा है, मुझे यही भी याद नहीं था कि मैं स्टेनो के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो आज मैंने देखा तो मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, ये भी एक अच्छा बेटर करियर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो आपको कैसा लगा वीडियो, समझ में आया तो कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन जो होता है उसको दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट करके अपने विचार हमसे बता दिया करें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हो सके, नॉलेज हो सके। धन्यवाद दोस्तों।